जो भी स्लाइड में उपकरण दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? शानदार शानदार भाई, जवाब अच्छा, जवाब सभी का। ये अडाप्टर है, क्या है ये? एडाप्टर है। क्या है ये? एडाप्टर है। कौन सा एडाप्टर है? कौन सा एडाप्टर है? मेल टू मेल अडाप्टर, मेल टू मेल अडाप्टर, मेल टू मेल एडाप्टर। क्या होगा इसमें? दो फीमेल कपलिंग क्या होंगे? एक ये, एक ये, दो मेल कपलिंग होंगे, फीमेल को जोड़ने का काम करेगा। दो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, दो क्या है इसमें? दो क्या है? दो क्या है? दो मेल कपलिंग, दो मेल कपलिंग। किनको जोड़ेगा ये? किनको जोड़ेगा? दो फीमेल कपलिंग को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, दो फीमेल कपलिंग जोड़ने हेतु काम में लेते हैं। किसको? इस अडोप्टर को काम में लेते हैं जो कि मेल टू मेल है, तो फीमेल कपलिंग आराम से जुड़ जाएंगे। डायमीटर कितना रहता है? डायमीटर कितना रहता है? डायमीटर का विशेष ध्यान रखें, 63 mm इंस्टेंटेनियस है ये कपलिंग। कौन से हैं? तिरसठ एम एम इंस्टेंटेनियस कपलिंग है। साथियों आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दें, आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह जरूर अपने आप कर लिया करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। बहुत बढ़िया, चलो जी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी देरी के। स्लाइड में आपको एक इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है साथियों, स्लाइड में आपको इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है। क्या काम करता है? पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करनी है कौन सा अपना उपकरण है ये, कौन सा ये आपका उपकरण है, पहचान करें। देखें, बहुत बढ़िया, अडप्टर है, बहुत शानदार अडप्टर। कौन सा अडप्टर है? चलो अडप्टर तो मान लिया, मैं लिख देता हूं, ये एक अडप्टर का प्रकार है, ये क्या है? एडाप्टर है। कौन सा अडप्टर है? फीमेल टू फीमेल अडप्टर है। कौन सा अडप्टर है? फीमेल टू फीमेल एडाप्टर, फीमेल टू फीमेल क्या है ये? अडप्टर है। कितने एमएम का है, कौन सा कपलिंग है वो भी जानना जरूरी। ये कौन सा है? 63 mm इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग, कपलिंग ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कर लिया, क्या काम करता मेरे साथियों, क्या काम कर सकता है ये? दो फीमेल कपलिंग है तो इससे अपन क्या जोड़ सकते हैं? दो मेल कपलिंग को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस शेप में बने हुए होते हैं। अभी अपन ने डायग्राम में देखा होगा ये, जो कि किस शेप में बने हुए होते हैं अपने मेल कपलिंग, इस शेप में बने हुए होते हैं ये। इससे कनेक्ट करने के लिए क्या काम में ले सकते हैं इसको? तो ये सीधा सीधा इसका उपयोग हो गया, दो मेल कपलिंग को जोड़ने हेतु। साथियों ये जो भी आपके फायर अग्निशमन केंद्र हैं उन पे ये इक्विपमेंट रहते हैं, तो जो प्रैक्टिकली रहते हैं उनके बारे में किसी प्रकार की पूछने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। बहुत ही शानदार, तो ये दो मेल कपलिंग को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं इसको। चलो जी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, एक अपन इसको काम में लेते हैं जो अपना हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट है जिसका आउटलेट कैसा है, जिसका आउटलेट मेल कपलिंग है और कैसा है? इंस्टेंटेनियस मेल है। कैसा है? इंस्टेंटेनियस मेल है ठीक है। उससे पानी लेते समय भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते मेरे साथियों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बहुत सारे अडोप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं आपके, सारे के सारे। जो भी हिंदी में समझाओ, हिंदी में ही तो बताता हूँ मैं, इंग्लिश में तो बहुत कम वर्ड लिखता हूँ भैया, हिंदी में ही लिखाता हूँ, बताता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल माता की जय हो, बिल्कुल। ये आप लोग पहचान करें, आइडेंटिफाई करें कौन कौन से आपको उपकरण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए होंगे आपको। ये तो क्या हो गया? मेल टू मेल, कौन सा हो गया? मेल टू मेल कपलिंग,
दूसरा अपन देखें तो ये कौन सा हो गया, फीमेल टू फीमेल, अडप्टर ही है ना, अडप्टर है, कपलिंग तो है ही, अडप्टर भी है, एडप्टर। कितने एमएम के होंगे, 63 एमएम के होंगे, कितने के होंगे, 63 एमएम के। जो भी अपनी डिलीवरी होज की फिटिंग है उसमें काम में आते हैं, डिलीवरी होज में फिटिंग में काम में आते हैं, तभी तो उनका डायमीटर ये है, ठीक है, बहुत शानदार, ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये, बहुत ही शानदार बता रहे हैं विराट यादव, शानदार भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं मेरे साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक वाइक जरूर कर दिया करो बिना कहे ही। ये भी एक अडप्टर है अपना, ये भी एक बहुत ही शानदार अडप्टर है, उसके बारे में आप लोग बताएं मेरे को, पहले कौन सा अडप्टर है, पूरी इसकी जो फीचर है वो आपको सामने कर दूंगा। ये अच्छा इक्विपमेंट है, अग्निशमन जो केंद्र है उनमें प्रेजेंट रहता है, क्या काम आता है आप लोग बताओगे, उसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा ब्रीफ करूंगा। बी सिंह बहुत बढ़िया, बताओ देखे कौन सा अडप्टर है। ये साथियों एक अडप्टर है अपना, इस अडप्टर को बोलते हैं हाइड्रेंट अडप्टर, क्या बोलते हैं, हाइड्रेंट अडप्टर। कहां काम में लेते हैं, कहां काम में लेते हैं, पहले काम बताता हूं, चूड़ी युक्त हाइड्रेंट से पानी लेने के लिए, पानी लेने हेतु हाइड्रेंट अडप्टर काम में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रेंट अडप्टर कैसा होगा आप लोग इमेज कर चुके हैं, कैसा है, इसमें चूड़ीयुक्त हाइड्रेंट है जो कि अपना इंस्टेंटेनियस नहीं है, कैसा है, चूड़ियां कटी हुई है अंदर, चूड़ियां कटी हुई है, ठीक है, ओके। अब ये जो अडप्टर है जो अपना होज पाइप है, होज पाइप में अपना जो यहाँ पे कपलिंग होता है साथियों, पहला कपलिंग होज पाइप में मेल खुलता है और इसी को ही अपने को यहाँ पे कनेक्ट करना है, लेकिन ये तो इंस्टेंटेनियस है, तात्क्षणिक है, और ये चूड़ीयुक्त है, तो क्या ये दोनों जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। तो क्या ऐसे ऐसी चाहिए अपने को, अडप्टर चाहिए, तो ये अडप्टर क्या कर देंगे, यहाँ पे एक साइड में क्या कटी हुई है, चूड़ियां कटी हुई है, तो ये तो इसमें क्या हो जाएगा, अडप्ट हो जाएगा एक साइड का, और दूसरे साइड का क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में क्या है, तात्क्षणिक क्या है, फीमेल कपलिंग, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अब ये उपकरण लगाने के बाद में क्या हो जाएगा, काम में आ जाएगा ये अडप्टर। तो बहुत ही शानदार जानदार अडप्टर है जो कि अवेलेबल भी रहता है, और दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ओर से इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे उपकरण, तो स्किप करना ना भूलें, आप लोग किसी प्रकार से स्किप ना करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने आप कर दिया करें, ये आपका काम है भैया। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस क्लास, हाँ आपके लिए अच्छी क्लासें लेके आने का ही मेरे का मन करता है साथियों, बहुत शानदार। चलो जी नेक्स्ट अपने स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बताएं देखें, बताएं देखें, अभी मैंने आपको बता भी दिया था, इस संबंध में कुछ बताया भी था, आज तो सर मजे आ गए, बिल्कुल मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, अभी तो ये तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ बाकी पड़ा है मेरे साथियों, बहुत कुछ बाकी पड़ा है। बताओ देखें पहले आइडेंटिफाई करूं, ये अभी तो बताया है ये अपना हाइड्रेंट अडप्टर, कौन सा अडप्टर है, हाइड्रेंट अडप्टर, कौन सा अडप्टर है, हाइड्रेंट अडप्टर है। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग इस इक्विपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया करो, कोई लोग आपको केमिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह में पता नहीं कहाँ उलझे रहते हो आप लोग, है ना, तो आपने जो भी इक्विपमेंट है उन पे आप लोग ज्यादा फोकस किया करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी अभी अपन इसके बारे में बात कर ली थी मेरे साथियों, तब मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो आपको स्लाइड है उसमें दिखाई दे रहा है एक अच्छा सा इक्विपमेंट दिखाई दे रहा, बताए देखे कौन सा अडप्टर है, ये भी एक अडप्टर है, छोटा सा इक्विपमेंट है, अडप्टर है, कहाँ पे अपन काम में लेते हैं बताए देखे आप लोग, कहाँ पे काम में लेते हैं इस अडप्टर को, काम की बात बाद में, पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करें तो मेरा ये बताया हुआ है भैया, ऐप वालों को तो बताया हुआ है, ऐप वाले बताएं भैया, बहुत ही शानदार सभी बता रहे हैं, बहुत ही शानदार भाई, कौन सा अडप्टर है, एक साइड में तो ये क्या है, मेल कपलिंग है, कौन सा कपलिंग है, चूड़ीयुक्त मेल कपलिंग है, और दूसरी साइड में 100 mm का ये इंस्टेंटेनियस मेल है, ये कौन सा है, इंस्टेंटेनियस मेल है, तात्क्षणिक मेल है, तात्क्षणिक मेल है भैया, और दूसरी साइड में क्या है,
चूड़ियुक्त है, कौन सा कपलिंग है, चूड़ियुक्त है। शो एमएम कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको, एक्सटिंग्विशर के बारे में भी क्लास करेंगे, बिल्कुल आपके सजेशन से सादर आमंत्रित है। सक्शन अडॉप्टर, बहुत बढ़िया, संजू मीना जवाब दे रहे हैं, जो भी अपने ऐप के स्टूडेंट हैं वो जवाब दे रहे हैं बहुत ही जल्दी से, महेश भी जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार, प्रियंका राजपूत, जो भी अपने स्टूडेंट हैं जो सुबह की क्लास अटेंड करते हैं, बिल्कुल वो सही जवाब दे रहे हैं। सक्शन अडॉप्टर पढ़ा था ना इसके बारे में, सक्शन अडॉप्टर, ये क्या है, सक्शन अडॉप्टर कहाँ काम में लेते हैं, सक्शन अडॉप्टर को जब अपना हाइड्रेंट है, कोई भी हाइड्रेंट है उससे अग्निशमन वाहन में पानी भरते समय किस अडॉप्टर को काम में लेते हैं, सक्शन अडॉप्टर को काम में लेते हैं। अब देखते हैं इसकी पूरी की पूरी, आपको फीचर में बताता हूँ, कोई भी ये कोई भी फायर टेंडर है मेरे साथ यू, और यहाँ पे कोई भी अपना पंप है, पंप का ये इनलेट हो गया और यहाँ से मैंने सक्शन लगा लिया, और ये कोई हाइड्रेंट है मेरे साथ यू, हाइड्रेंट है, और हाइड्रेंट का आउटलेट कैसा होता है, तात्क्षणिक फीमेल, कैसा होगा, जनरली अपना तात्क्षणिक फीमेल होता है, जनरली की बात कर रहा हूँ, फीमेल जनरली ये होता है, लेकिन यहाँ पे अपना जो सक्शन है उसका जो आउट, जो अपना सक्शन होज है उसका लास्ट का जो कपलिंग है वो तो मेल है, कौन सा कपलिंग है, मेल है, शो एमएम, शो एमएम मेल चूड़ियुक्त है साथियों, चूड़ियुक्त है, ये 63 mm है, ये कितना है 63 mm है, और जोड़ भी अलग है, इंस्टेंटेनियस है, क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस अडॉप्टर को काम में लेंगे, क्या करेंगे, इस अडॉप्टर को काम में लेंगे। जी हाँ भाई, राम राम, बिल्कुल राम राम, सभी को प्रणाम, आप लेट जुड़े हो कोई नहीं, आप लोगों के लिए क्लास को डिलीट नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे सेव रहेगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सक्शन अडॉप्टर, क्या हो गया, सक्शन अडॉप्टर, तो फायर जो भी अपना हाइड्रेंट है उससे पानी लेते समय इसको काम में लेते हैं। ये देखो, ये फिर से आपको परेशान करने के लिए आ गया, लेकिन परेशानी को इतना परेशान करके छोड़ के चले जाएंगे कि परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है, परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। गुमान बगड़िया बोल रहे हैं, मेरे बहुत ही अच्छे करीबी साथी हैं, बहुत ही अच्छे अपने जो भी फायर स्टाफ के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं पे अच्छा कंटेंट मिल सकता है तो अपना सक्सेस सेंटर सीकर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्मीद के साथ जुड़ते हैं सभी। तो ये साथियों, ये जो अडॉप्टर है ये अपना कौन सा अडॉप्टर है, ये अडॉप्टर भी अपना सक्शन अडॉप्टर है, कौन सा अडॉप्टर है, सक्शन अडॉप्टर है, क्योंकि इस पे आपको दिखाई दे रहा है एक साइड में क्या है, मेल कपलिंग 63 mm मेल, इंस्टेंटेनियस मेल, और 100 mm फीमेल, और कोई भी क्लास छोड़ के जाता है तो ये ध्यान रख लेना, ये 450 देख रहे हैं, तो कंपटीशन में आप लोग पीछे ना हो जाओ कहीं ना, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये भी अपना कौन सा अडॉप्टर है, सक्शन अडॉप्टर, मेरे साथियों सक्शन अडॉप्टर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ये देखो कितनी अच्छी आपको दिखाई दे रही है ना, अच्छी है ना, अच्छा इक्विपमेंट है, इसका पूरा ब्रीफ करूंगा मैं आपको, क्या है ये, क्या है बताए, देखें चलो जी, इसका नाम बताएं पहले, बाद में मैं आपको इसका पूरा का पूरा ब्रीफ कर दूंगा। यह है साथियों बास्केट स्टेनर, बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया है सही, बास्केट स्टेनर, ठीक है। इसमें सक्शन पे जोड़ने के लिए, सक्शन होज पाइप पे अपन जोड़े उसके लिए किसी प्रकार की जो कप चूड़ियां वगैरह नहीं कटी हुई होती, इस पे ओनली क्या होती है, स्क्रट होती है, क्या होती है, स्क्रट होती है, जो कि इसमें क्या होती है, ये एक डोरी रस्सी डली हुई होती है, जिसको अपन क्या करते हैं, सक्शन पे क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, और इसको काम में लेते हैं साथियों, अधिक कीचड़ युक्त पानी को सक्शन करने के लिए इसको काम में लेते हैं। बास्केट स्टेनर है, क्या है, स्टेनर है, जो कि सक्शन के
एक छोर पर लगाते हैं पानी को साफ करने के लिए। जी हाँ, पानी जो भी कीचड़ युक्त पानी है, अगर अपन यहाँ पे मेटल स्टेनर लगा देंगे तो वो उसकी जो भी होल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएगी। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। लाइक के संग क्या कम है, शेयर वेयर आप लोग पता नहीं करते ही नहीं, कंटेंट एक अकेले अकेले इंजॉय करते रहते हो क्लास का अकेले अकेले। ये देखो ये भी कौन सी स्टेनर है, साइड व्यू से सारे के सारे व्यूज आपको दिखाए गए हैं अपनी क्लास में। रामस्वरूप गुजर, बिल्कुल आपने बताया है, आप तो मेरे याद रहते हो मेरे को रोज, कोई दिक्कत नहीं रामस्वरूप जी, ठीक है ना, सभी याद रहते हो सभी का मेरे। अब ऐसी फीलिंग आती है कि रोज के रोज उपस्थित होते हो तो जैसे ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ ऐसा फील करता हूँ। तो मैं आपको बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ाता हूँ, रियल में मैं पढ़ाने को एक बहुत ही तरह से अच्छी तरह से इंजॉय करता हूँ, खो जाता हूँ एकदम पढ़ाने में। आप भी अच्छी तरह से खो जाया करो पढ़ने में। तो ये अपना साइड व्यू से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना कौन सा स्टेनर है, बास्केट स्टेनर है, ये भी कौन सा है, बास्केट स्टेनर है, ताकि आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये आपको दिखाई दे रही है क्या है, कौन सा उपकरण है, आइडेंटिफाई करो आप लोग, आइडेंटिफाई करो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, आइडेंटिफाई आप लोग जरूर करें कौन सा उपकरण है ये। ये साथियों आप बहुत सारे साथी जवाब दे रहे हैं, सही भी दे रहे हैं। तो ये है साथियों मेटल स्टेनर, कौन सा है, मेटल स्टेनर है। ये छिद्र विद्र, ये अपनी क्लास में बात हो जाती है साथियों, छिद्र विद्र कितने होते हैं, लंबाई चौड़ाई इनकी बात अपन कर लेते हैं, वहां पे जनरली हो जाती है। यहाँ पे जो चीजें आपको वहां पे नहीं हो पाती वो चीजें यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये अपनी क्या होगी, मेटल स्टेनर है मेरे साथियों, मेटल स्टेनर है। और यहाँ पे इसको किसके साथ जोड़ा जाता है, सक्शन के एक सिरे पर, किसके सिरे पर, सक्शन होज के सिरे पर, सक्शन होज पाइप के सिरे पर। तो ये अपना क्या हो गया, मेटल स्टेनर। मैं मेरा जो अनुभव है वो पूरा आपको साझा करने का प्रयास करता हूं साथियों, बहुत ही शानदार, और आप भी पूरा यूटिलाइज करें मेरी ऐसी आशा रहती है मेरे साथियों। बहुत बढ़िया, 1200 हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने जुड़े हुए हैं ऐप से काफी फटाक से जवाब दे रहे हैं, यही फुर्ती चाहिए आपसे, यही फुर्ती चाहिए मेरे साथियों। चलो जी ये तो बहुत ही बताया हुआ मेरा बहुत ही अच्छे से, ये क्या है बताओ, देखे बताया था ना, लव यू सर, बिल्कुल आपको भी लव यू भैया, बताओ ये क्या है, ये कौन सा उपकरण है। ये पहले तो मैं बता देता हूं, रिंच है, ये क्या है, रिंच है अपना, सक्शन रिंच है साथियों। सक्शन को टाइट करने के लिए क्या काम में लेते हैं, सक्शन रिंच काम में लेते हैं, सक्शन रिंच, ओके, सक्शन रिंच है, सेक्शन को टाइट करने के लिए क्या काम में आता है, सेक्शन टाइट करने में। सेक्शन होज है उसको अच्छी तरह से कसने में, अच्छी तरह से टाइट करने के लिए, कसने के लिए, टाइट या कसने हेतु हेतु इसको काम में लेते हैं। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखो एक तरफ तो क्या बना हुआ है, ओनली एक क्या बनी हुई है, गोल ओनली छेद है, और एक तरफ क्या है थोड़ा सा ऐसा कटिंग होता है, एक तरफ में क्या होता है कटिंग होता है, दोनों अलग अलग है, इसमें यहाँ पे कटिंग है और यहाँ पे एक गोल छेद है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो अपना जो रिंच है वो साथियों, अच्छा मंगल पांडे नाच नाच के पढ़ाते हो, बिल्कुल आप लोग सेलेक्ट हो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से नाच 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 के नहीं, नाच पूरा एकदम पूरे दिन, एक दिन नाचेंगे आप लोग सेलेक्ट होके आओ, नाच नाच के पढ़ा दूंगा, है ना, तो एक दिन आपकी खुशी में भी नाचेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है, अभी मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। चलो देखें इसमें ये रिंच भी दो प्रकार के होते हैं, ये कौन सा रिंच है, ये कौन सा रिंच है अपना आधुनिक, ये कौन सा रिंच है आधुनिक, या फिर यूनिवर्सल रिंच बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल 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 रिंच है ये साथियों, यूनिवर्सल रिंच है, ठीक है, यूनिवर्सल रिंच। आप कैसे भी पढ़ाते हो, बहुत मजा आता है, जी हाँ मेरे को भी बहुत मजा आता है आपको पढ़ाने में। चलो जी ये देखो ये कौन सा रिंच है ये बताएं, देखें ये भी अपना पारंपरिक नहीं आधुनिक रिंच है, आधुनिक
ये साइड व्यू में दिखाया गया है, आधुनिक रिंच है। कौन सा रिंच है? आधुनिक। देखो एक पे गोल छेद है, एक तरफ में इस जो घोड़े की नाल होती है उस तरह से कटिंग है, घोड़े की नाल की तरह है ये कटिंग है साथियों, इस तरह की। हर तरह के जोड़ों को जोड़ने के लिए काम में आ सकता है, 75 mm, 100 mm, 150 mm, प्रत्येक आकार के जो सेक्शन होज है उसको कसने के लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी, आइडेंटिफिकेशन करें, उसके बाद में मैं आपको इसका पूरा ब्रीफ कर दूंगा, पूरा का पूरा ब्रीफ करूंगा, पहले आप लोग इसका आइडेंटिफिकेशन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज साथियों, समय समय पर आपको टेक्निकल टीम द्वारा याद दिलवा दिया जाता है, ये स्लाइडें बीच में आ जाती हैं, और ध्यान भी होना चाहिए आपको साथियों। अपना फायरमैन भर्ती 2021 के लिए साथियों संपूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी कोर्स है वो प्रारंभ है साथियों। ऑनलाइन में आपको जीके, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका पार्ट ए है और बे पार्ट है फायरमैन थ्योरी, दोनों आपको मिलेंगे साथियों बहुत ही माइनर चार्ज में। उसके लिए आपको सक्सेस सेंटर सीकर का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। चलो स्लाइड की ओर चलते हैं साथियों, स्लाइड की ओर मूव करते हैं। स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, पहले आइडेंटिफाई करो इस उपकरण को, कौन सा ये उपकरण है। बहुत बढ़िया, ये है ब्लैंक कैप। क्या है ये? ब्लैंक कैप है साथियों, ब्लैंक कैप, ब्लैंक कैप है ये, या फिर इसको ढक्कन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढक्कन भी बोलते हैं, ब्लैंक कैप है। जो कहां पे काम में लेते हैं अपन? पंप के जो आउटलेट है, पंप के आउटलेट, पंप के आउटलेट, या फिर डिलीवरी आउटलेट, जो भी डिलीवरी के आउटलेट होते हैं ये पंप के आउटलेट ही डिलीवरी आउटलेट कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपना जो भी हाइड्रेंट के आउटलेट है, हाइड्रेंट के आउटलेट है, उनको बंद करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? इसको काम में लेते हैं मेरे साथियों, इसको काम में लेते हैं। जी हाँ रामस्वरूप जी, अच्छा पगली नाचेगी, जी हाँ तू नौकरी लगेगा तो जरूर नाचेगी भैया। तो ये अपना हो गया, ब्लैंक कैप से संबंधित आपका मामला सेट हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं मूव। ये देखो, ये भी आपकी स्लाइड है, ये इसलिए कि आपको पता रही, ये एक ऐसी एक जो अपनी लोहे की बनी हुई होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ओके, ताकि ये वहां से गिरे नहीं, ये जो कैप है वो गिरे नहीं, उसके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ताकि ये पंप के पर बंधी रहे। बहुत बढ़िया, चलो जी नेक्स्ट अपन स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी, नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। आप लोग अगर किसी प्रकार की चैनल में अभद्रता का व्यवहार करते हैं तो अपनी टेक्निकल टीम द्वारा आप लोग ब्लॉक कर दिए जाएंगे साथियों। ये सोशल प्लेटफॉर्म है, अपन ओनली मेरा एक